नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज इन एन एम मीटर पॉइंट टू परसेंट ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज जी सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर विल बी वो क्या होएगा चार ऑप्शन दे रखे हैं जी बाय फोर नाइन्टी नाइन या फिर फोर नाइन्टी नाइन जी बाय फाइव हंड्रेड या वन बाय जी बाय फाइव हंड्रेड या फिर फाइव हंड्रेड बाई फोर नाइन्टी नाइन जी ना आसान सवाल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होंगे सो अपनी ये सिनेरियो है कि ये आपका एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए हम कहते हैं आर जी है और इसके पैरेलल में एक आपका शंट लगा हुआ है उसको हम एस कह देते हैं और यहाँ से जो टोटल करंट आया उस करंट का हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉइंट टू परसेंट अब इस पॉइंट टू परसेंट का मतलब हो गया पॉइंट टू परसेंट इसका मतलब हो गया टू टू पॉइंट टू डिवाइड बाई हंड्रेड यानी कि वन बाई फाइव हंड्रेड सो so, आपका जो करंट अगर मान लीजिए यहाँ पे आई आया था तो यहाँ पे आई बाय फाइव हंड्रेड यहाँ पर गया है और अगर आई बाय फाइव हंड्रेड यहाँ पर गया है तो फोर नाइन्टी नाइन डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड आई करंट यहाँ पे गया होगा सवाल ये है कि जो पूरा एमीटर का कॉन्फिग्रेशन जो है ये इन दोनों को पैरेलल में मिला के उसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमें बताना है ना Uh, क्योंकि यहाँ पे करंट आपका आई बाई फाइव हंड्रेड है या फोर नाइन्टी नाइन आई है एक चीज़ तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर होएगा ना वॉट दैट मीन्स इज़ हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसको हम लिख सकते हैं इसका जो आर जी है यहाँ पर गैलवानो का रेस्टेंस अपने को कैपिटल जी दिया हुआ है तो इसको यही यूज़ कर लेते हैं ये जो जी है ये हम कह सकते हैं कि आई डिवाइडेड बाय 500 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल जी नाउ दिस विल बी इक्वल टू 499 नाइन्टी नाइन बाय फाइव हंड्रेड आई मल्टीप्लाइड बाय एस तो आई कैंसिल हो जाएगा 500 हंड्रेड कैंसिल हो जाएगा विच मीन्स एस की जो वैल्यू आ गई एस विल बी इक्वल टू 500 हंड्रेड कैंसिल हो गया विल बी इक्वल टू वन बाय फोर नाइन नाइन इंटू जी यह आपका शंट uh, की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ जी नाउ हमें जो पता है यहाँ पे आपका आर ए जो आएगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन इन दोनों का सो so, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन एस और जी का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होएगा वो आपने को आर एम मीटर की वैल्यू देगा सो uh, so इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दिस आर एम मीटर दैट विल बी इक्वल टू एस और जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई एस प्लस जी ये वैल्यू हो जाएगी सो यहाँ डेटा अगर रख देंगे तो एस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी जो है वो आ जाएगा वन बाय फोर नाइन नाइन इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड एस की वैल्यू यहाँ पे वन बाय फोर नाइन नाइन जी प्लस जी सो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे सो ये हो जाएगा वन प्लस फोर नाइन्टी नाइन यानी कि फाइव हंड्रेड हो जाएगा फोर नाइन्टी नाइन कैंसिल हो जाएगा एक जी कैंसिल हो जाएगा नॉविच एम्प्लाइज़ आर ए की वैल्यू आ जाएगी वन बाय फाइव हंड्रेड इंटू जी ये आपकी एम मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वन बाय फाइव हंड्रेड जी वुड बी द राइट आंसर